नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूं ना, वाकई आपके दिल को झकझोर को रख देगी। ये घटना पाकिस्तान की सच्ची घटना है कि जब एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की कब्र पर जाकर के रोता है, फिर वह माँ जो कब्र से उठ पड़ती है। वास्तव में यह कहानी बहुत ही दर्दनाक है और आपके दिल को, आपको रूह को कांप देगी। इसलिए आप जो इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे, बहुत ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक कहानी है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते तो आपके लिए कुछ नई चीजें भी अवश्य ही सीखने को मिलेगी। तो बस देरी की चीज के छोटे से बच्चे का बहुत ही जो दर्दनाक वाक्य है ना, शुरू कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि पाकिस्तान के एक छोटे से जिले के छोटे से गांव में, वहां पर जो एक परिवार था और उस परिवार में एक नौजवान युवक जो शादी करता है और शादी करने के बाद एक खूबसूरत बीबी को पाता है। खूबसूरत पत्नी को पाने के बाद वह आता है और बड़े ही खुशी से वह दिन भर जो काम करता और काम करने के बाद वह अपने पत्नी की बड़ी ही अच्छे से रेख देख करता था। उसके घर में उसके साथ में किसी प्रकार की कोई नोक झोंक नहीं होती थी। दोनों मियां बेबे में क्या खूब मस्त जमता था। लोग उसका उदाहरण दिया करते थे, क्या गजब का प्यार है। लेकिन शादी के एक साल बीत जाते, दो साल बीत जाते हैं, लेकिन कोई औलाद नहीं होती है। लेकिन जैसे ही दो साल बीतने के बाद कोई औलाद नहीं होती, तो अब तो अगल बगल के लोगों के पेट में गुड़गुड़ी मचने लगती है। अरे क्या ये बांझन है क्या? अरे इसकी कोई औलाद नहीं होगी क्या? जब बेचारा वो ऑफिस में काम करने जाता तो लोग पूछते, अरे तुम्हारी कोई औलाद हुई? ऑफिस में जाता बेचारा, वो लोग पूछते हैं। और इधर इसकी पत्नी को लोग अगल बगल की औरतें आकर के पूछती, अरे भाई क्या हुआ, कोई औलाद नहीं हुआ क्या? इस तरीके से करते करते बेचारा पांच साल बीत जाते हैं, लेकिन उसे कोई औलाद नहीं होती है। अब तो बस वह क्या करता है, कुछ दिनों के लिए वह अपने ऑफिस से छुट्टी मांगता है और अपनी पत्नी को लेकर के जगह जगह पर जो है वह इलाज कराना शुरू कर देता है, क्योंकि लोगों के ताने उसकी पत्नी के कानों को इतना बर्बाद कर दे रहे थे। उसकी पत्नी को सही से खाने के, सही से चैन से रहने नहीं दे रहे थे। दोनों लोगों के इतना इच्छुक नहीं थे, जरूर मन में चाहते कि हाँ मेरी भी औलाद थी, लेकिन लोगों की जो ताने सुन सुन के इतना मजबूर कर दिया। इस वजह से बेचारा वो अपनी पत्नी को लेकर के जो जहां पर बताया हर जगह इलाज करना, हर जगह मंदिर मस्जिद में जाकर के मथे टेकना शुरू कर दिया। जगह जगह देश विदेश वह घूमना शुरू कर दिया ताकि कहीं पर भी मेरी विनती स्वीकार हो जाए। और बस ऊपर वाले ने उसकी विनती सुन ही ली और उसी ऊपर वाले की करिश्मा ऐसी हुई कि बस एक बार अचानक उसके पेट में, उसकी बीबी के पेट में दर्द होता है और जब इससे ही दर्द उठता है वो अपनी पत्नी को लेकर के भागा भागा अस्पताल जाता है। और अस्पताल जैसे ही जाता है बस उसे खुशखबरी मिल ही जाती है। डॉक्टरों ने कहा, अरे आपकी पत्नी पेट से है, अर्थात आपकी पत्नी गर्भवती हो चुकी है, अब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। जैसे ही खबर सुनता है बस उसकी खुशी के चार चांद लग जाते हैं। तुरंत वह घर पर अपने पत्नी को लेकर के आता है, अगल बगल मिठाइयां खिला देता है, अरे मेरी पत्नी गर्भवती हो गई, गर्भवती हो गई, वाकई। और उसका बात सत्य भी हो गई और ठीक 9 महीने बाद जो है एक खूबसूरत बच्चे का जन्म होता है। लेकिन ऊपर वाले इसको मंजूर ही नहीं था। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ ना, एक दुखद समाचार घटना घटित हो कि माँ ने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन माँ इतने दर्द सह नहीं सके जिसके वजह से उसके प्राण पखेर उड़ गए, वो इस दुनिया से चल पड़ी। वो अपने बच्चे को भी नहीं देख सकी। लेकिन जब ये बात उसके पति को पता चलता है ना कि मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं, बेचारा वह करे तो करे क्या, ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया ही उजड़ गई कि मेरा बच्चा जन्म होते ही वह कम से कम अपने बच्चे को देख नहीं सकी। अरे भगवान ने क्यों मेरे साथ इतना नाइंसाफी किया बेचारा, लेकिन करे तो करे क्या। अब तो उस छोटे से बच्चे को, नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर के अब उसे ही पालना था। वह अपने पत्नी से कहता, अरे प्रिय क्यों तू मेरे को छोड़ करके चली गई, कहां चली गई? और इस तरीके से अपने पत्नी को ले जा करके कब्रिस्तान में दफन भी कर देता है। लेकिन इधर अब छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा को लेकर के अब वही परवरिश करता। अब तो वह उस बच्चे की खातिर वह कहीं पर कोई नौकरी भी करने नहीं जाता, उस बच्चे को इतना प्यार करता, इतना लाड़ प्यार करता कि उसे माँ और बाप दोनों का कभी कमी जो महसूस नहीं होते। बाप तो खुद था लेकिन मम्मी का कभी कमी कोई एहसास नहीं होने दिया, हर तरीके से उसे प्यार दिया, हर तरीके से सब कुछ किया। लेकिन जब वो बच्चा क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देता है, एक साल का हो जाता है, दो साल का हो जाता है, काफी उसे दिक्कतें होती है, तो कुछ लोगों ने कहा, देखो जी अब तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा,
एक औलाद तो हो गई जिसकी तुम्हें चाह थी, अब तो कोई तुम्हें ताना नहीं मारेगा। क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लेते? अगर कोई दूसरी शादी कर लेते तो वह आती और इस बच्चे का रेख देख कर दी। उसने कहा कि नहीं जी, अगर मैं दूसरी शादी करूंगी तो मेरे बच्चे को प्यार नहीं करेंगे। लेकिन बेचारे की स्थिति दिन पर दिन खराब होती गई, क्योंकि पैसे जो थे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे और वह उस बच्चे के परवरिश में ही वह दिन भर व्यस्त रहता था। वह कहीं जा नहीं पाता काम के सिलसिले में। मजबूरन लोगों की जो सलाहें थी उसे माननी पड़ी और बस जिसके वजह से एक उसने शादी की। शादी करने के बाद वह जब लड़की आती है तो उसने कहा कि देखो, ये जो मेरा बच्चा है ना, ये तुम्हारा ही बच्चा है और मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैंने बस शादी इसीलिए किया कि ताकि इस बच्चे की परवरिश तुम कर सको, इस बच्चे का रेख देख करना, क्योंकि इसकी माँ जो है अर्थात मेरी पत्नी इसका मुख तक नहीं देख पाई है। बेचारा कितना दुर्भाग्यशाली, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको माँ की कमी महसूस हो। लेकिन वह बाप जो हमेशा अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर के जब एक साल हो जाता था ना, तो साल भर में या कभी कभी जब उसे अपने पत्नी की याद सताती थी तो अपने उस बच्चे को लेकर के हमेशा कब्रिस्तान में अपनी पत्नी की कब्र पर जाता था और वहां पर कहता था कि देख, यही है ना तेरा औलाद जिसके लिए तू कितना कोशिशें की, और देख तू इस बच्चे को छोड़ करके चली गई, तूने इसका मुख तक नहीं देखा। बेचारा हर बार जाता था। 2 साल बीतने के बाद जब उसकी पत्नी दूसरी वाली जो सौतेली माँ थी ना, शुरुआत के दिनों में तो वह अपने बच्चे से उस बच्चे से बहुत ही प्रेम करती थी और धीरे धीरे वह बच्चा 5 साल का हो जाता है। अब तो बच्चा कुछ जानने समझने लायक हो जाता है, लेकिन वह बाप जो है अभी भी उस बच्चे को बहुत ही जानता है, बहुत ही मानता है, बहुत ही प्रेम करता है। उसके प्यार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब तो वह नया नया काम भी पकड़ लेता है, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी हो गई थी, हर तरीके से अपने बच्चे को रोज खाने पीने के लिए संभाल रहा था। लेकिन ये जो सौतेली माँ थी ना, किसी ने कान फूंक दिया, अरे कितना भी है ये तुम्हारा खून तो नहीं है ना, तुम्हारा औलाद नहीं है ना। उसके मायके वाले ने भी कान फूंक दिया, अरे तुम्हारा भी औलाद होगा तो तुम उसको जानोगे कि उसको जानोगे। और ये बात उसके दिल और जान में बैठ जाती है और बस उसी दिन से उस बच्चे को पता नहीं क्यों घृणा की नजर से देखने लगे। वास्तव में उसका तो खून था ही नहीं, उसने तो जन्म दिया नहीं था, और उस बच्चे से जो घृणा करने लगी, उससे अलग तरीके से बर्ताव करने लगी। जब उस छोटे से बच्चे के बाप अर्थात ऑफिस चले जाते थे तो यह माँ जो उसे कई सारे काम करवाती थी, घर में झाड़ू पोछा करवाती थी, जबरदस्ती बड़े बड़े काम करवाती थी, जिसकी वजह से वह बच्चा नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी माँ कभी कभी तो उसे खूब मारती थी, साथ में उसे खाना भी कभी कभी नहीं दिया करते थे। बेचारा वह कष्ट से रोता था और साथ में यह धमकी देती थी, अगर तूने अपने बाप से कही तो तेरे को सोच लो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी, जिसके वजह से डर के मारे वह अपने बाप से नहीं कहता था। और एक बार की बात है कि उसके बाप को एक रात के लिए कहीं घर से बाहर जाना पड़ा। और बस जब वह एक रात घर से बाहर रहता है ना, उस दिन तो उसे फूल मौका मिल जाता है इस बच्चे को कष्ट देने के लिए, इस बच्चे को तड़पाने के लिए, और वह उस दिन भर वह खाना नहीं देती है, दिन भर वह भोजन नहीं देती और नहीं तो वह काम करवाती है, रात्रि को भी वह भोजन नहीं देती। यार कैसी निर्दयी माँ थी। अगले दिन जब सुबह का समय होता है ना, तो वह बच्चा जाता है, कहता है कि मम्मी मेरे को बहुत जोर से भूख लगी, भोजन दे दो, मुझसे भूख सहन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे वह बच्चा भोजन मांगने जाता है, वह माँ जो है अर्थात सौतेली माँ ने तुरंत उसे जोर से धक्का दे दिया, और जैसे धक्का दिया बेचारा दूर जा कर के गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, बेचारे डर के मारे अब भोजन मांगने नहीं जाता है। लेकिन उस दिन उसका बाप जो था ना, जल्दी ही आ गया काम से, और जैसे ही काम से जल्दी आया ना, उसका छोटा सा बच्चा ने जब अपने बाप को देखा तो वह दौड़ करके गया और अपने पापा के गले लग करके वह रोने लगा, कहता कि पापा आपने मम्मी को लाया ना, ये मम्मी मेरे से बिल्कुल प्रेम नहीं करती, बिल्कुल प्यार नहीं करती, मेरे को बिल्कुल नहीं जानती है, देखिए ना कल से ही मेरे को खाना नहीं दिया है, देखिए ना आप इनको क्यों लेकर आए, आप मुझको जानती नहीं है, आप जितना जानते हैं नहीं जानती है। बस वह बाप जो है अपनी पत्नी को जाता है, डांट लगाता है, बोलता है करी तुम जो मेरे बच्चे को कितने 2 दिन से खाना तुमने नहीं दिया, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। वह कहती क्या जी, आप भी इन छोटे छोटे बच्चे को बातों में आ जाते हैं, अच्छा जो बच्चे बात कर रहा है सत्य कर रहा है, अरे तो यूं ही मजाक में बातें कर रहा है, झूठ बोल रहा है, आप इन सब बच्चों को बातों को आप ही केयर लेकर के पत्नी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, मैंने तो ऐसा नहीं देखा था। बस वह उस बच्चे की बातों को इग्नोर कर देता है और अपने बच्चे को जो भोजन कराता है खाना खिलाता है।
और बस जैसे बाप फिर से अगले दिन जब काम पर चला जाता है ना, तो बस सौतेली माँ को मौका मिल जाता है। और जैसे सौतेली माँ को मौका मिल जाता है कि बस उसे तुरंत डंडा उठाती कहती, कजी तुम अपने बाप से चुगलाखोरी कर दिए, तुमने अपने बाप से कह दिया ना, तुमने मेरे को डांट सुनवाया ना, अब मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू क्या चाहता, यही चाहता था ना, मैं तेरे से बोली थी कि तू अपने बाप से मत बोलना, लेकिन तू तो माना नहीं। और बस वह दमादम दमादम छड़ी पे छड़ी बेचारा को मारना शुरू कर दिया। लेकिन उस दिन जो है उस रात को वह बाप घर पर नहीं आता। जब घर पर नहीं आता तो फिर से इस सौतेली माँ को मौका मिल जाता और कहती है कि तू बहुत अपने बाप का चुगलखोर है, अपने बाप से बड़ा शिकायतें करने वाला, तू मेरे को डांट सुनवाएगा ना, आज मैं तेरे को घर से बाहर निकाल देती। और बस वाली जाती अंधेरी रात्रि में ही और चुपके से उसे अंधेरी रात्रि में कहीं पर छोड़ देती है और छोड़ करके चली जाती है और कहती है खबरदार अगर तू यहाँ पर अब अगर आती है तो सोच लो खैरियत नहीं है, तुम दोबारा घर पर मत आना। बेचारा वो अंधेरी रात्रि में वो लड़का दर दर भटकता है, रोता है, उसे डर भी लगता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता कि मैं कहाँ पर हूँ, किस जगह पर हूँ। लेकिन चांदनी रात थी और चांदनी रात में जब उस बच्चे को थोड़ी थोड़ी सी दिखाई देने लगता है, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि वो तो पता चलता है, करे मैं तो कब्रिस्तान में हूँ। और जब वह कब्रिस्तान में उसे पता चलता है तो उसे याद आता है कि मेरा बाप जो अक्सर मेरे को मेरी माँ की कब्र पर लाया करता था, उसे अपनी माँ की याद सताने लगती है। और बस वह बच्चा उस कब्र पर जाकर के अपनी माँ के कब्र पर जो रोने लगता है, लेकिन कुछ ही समय में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वह वहाँ उस कब्र से उठता है और गाँव में कुछ दो चार लोग मिलते हैं, उनसे फटिहाल स्थिति में वो उनसे कुछ खाना मांगता है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, तो कोई कुछ दे देता, किसी ने बिस्कुट दिया, किसी ने कुछ दिया, तो बेचारा किसी तरीके से पानी पी करके वह रो रहा था। लेकिन फिर से उस दिन भी रात हो जाती है, अब उसको जाए तो जाए कहाँ, कोई उसको कुछ सहारा देने वाला नहीं था। बेचारा वह दिन भर रोता, कभी इस पेड़ के नीचे, कभी वहाँ पर पेड़ पर बैठता, लेकिन कुछ भी उसे समझ नहीं आता। इधर जब उसका बाप इसके घर पर आता है तो अपने बच्चे को ढूंढता है, और जब अपने बच्चे को ढूंढता है तो कहते करे बच्चा कहाँ गया। उसने कहा अरे आपका बच्चा, अरे आपके बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया, अरे मैं कितना दिन से तभी से तो ढूंढ रही, कल से ही, कल शाम से ही वो गायब है और मैं उस बच्चे को ढूंढ रही हूँ। वो बेचारी नखड़ा बना करके वो रो रही है, अपने उस पति के सामने झूठ का ड्रामा कर रही है, और वह उसकी बातों में मान भी जाता है कि वास्तव में मेरे बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया, और उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और वह इधर उधर ढूंढना शुरू कर देता है। इधर ये छोटा सा बच्चा उस रात अपनी माँ के कब्र पर जा करके वह अपनी माँ के कब्र पर खूब रो रहा था, कहता कि माँ तूने मेरे को छोड़ करके चली गई ना, और देख आज मैं इतना बड़ा हो गया, मैं थोड़ा बहुत जानने समझने लायक हो गया, माँ मेरे को छोड़कर क्यों तू चली गई, देखना वो माँ पापा लाए ना वो मेरे को बिल्कुल नहीं जानते, मेरे को बहुत मारती है, मेरे को बहुत पीटती है, माँ मेरे को पापा भी नहीं जानते, पापा मेरे को खोजने तक नहीं आए, माँ मेरा कोई घर नहीं है। वह बेचारा रो रो करके कब्र पर अपनी माँ से कहता है। तब तक अचानक हल्की सी हवा के झोंके चलती है और जैसे ही झोंके चलती है उसके सामने उसकी माँ की रूह आ जाती है, और उसकी माँ की जब रूह सामने आती है ना तो वह अपनी माँ को देखता है, कहता कि माँ तू मेरे को छोड़ करके चली गई थी ना। उसकी माँ के आंखों से आंसू टपक रहे थे, अरे माँ चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, लेकिन माँ की रूह चाहे जीते हो चाहे मर जाती हो, लेकिन माँ के रूह जो थी ना वहां से आंसू टपक रहे थे। वह अपने बेटे से गले मिलना चाहती थी लेकिन वह गले नहीं मिल पाती। वह कहती कि बेटे चिंता मत करो, तुम मेरे पास आ गए हो ना, अब तुम्हें कुछ भी दिक्कतें नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम्हें भूख लगी ना, तुम्हें भोजन करना है ना, बस वह रूह कहीं अपने तरीके से कुछ उसके लिए भोजन का व्यवस्था करती है। वह बच्चा भोजन करता और इसी तरीके से वह बच्चा जो है ना अपनी माँ के कब्र पर रोता रहा और अपनी माँ से बातें करता रहा। लेकिन होता क्या है कि उसका पति जो है अपने बच्चे को खोजते 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 जो है अपने उस कब्रिस्तान में चला जाता है कि शायद कहीं बच्चा मेरा वहाँ पर किसी ने मार करके फेंक तो नहीं दिया ना। लेकिन जब रात्रि के समय में वह जब पहुँचता तो क्या देखता है, जो चीज़ें देखता है वास्तव में देख करके दंग रह जाता। वो देखता है करी उस कब्र पर मेरा बच्चा और मेरी पत्नी जो भली वाली पत्नी मेरी बीबी, देखो मेरी बीबी की रूह जो वहाँ पर है और वह अपने बच्चे को खाना खिला रही है। जब वह जाता है अपने पत्नी के कब्र पर तो वह बच्चा कहता है कि देखो मम्मी पापा आ गए ना, यह भी मेरे को नहीं जानते हैं,
बस वो अपने पत्ते से कहता है कि देखो जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे को कुछ नहीं पता कि मैंने जिससे शादी किया हुआ तो यही जान रही थी कि बस वो मेरे बच्चे को प्यार करती, मेरे बच्चे को जानने समझने के लिए लाया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने इसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। वह तो जानते थे कि हाँ मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता था, मेरे बच्चे से कितना प्यार करता है। वो अपने बच्चे से कहता कि बच्चे चल चलो, वो कहता कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी माँ के पास में हूँ, माँ मेरे को हर तरीके से अच्छे से रखती, क्योंकि वो माँ की रूह थी ना, माँ की रूह, उसे अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन करे तो करे क्या। बस उसके पति ने कहा मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को जाने दो, अब तुम्हारा यहाँ पर घर है, यहीं पर तुम्हें रहना, लेकिन बच्चे का यहाँ पर घर नहीं। वह बच्चा को माँ ने कहा कि जाओ अपने पापा के साथ में जाओ, अब तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कतें कोई समस्याएं नहीं होगी, अगर कुछ भी दिक्कतें और कभी कष्ट होता तो तुम मेरे पास अवश्य आना, मैं तुम्हारी हर तरीके से रखवाली करूँगी। और इस तरीके से वह बाप जो है जब अपने बेटे को लेकर के आता है ना, तो वह बाप को तो अपने उस सौतेली जो माँ थी ना जो अपनी पत्नी को लेकर के आया था उसका खून खोल उठा था। और जैसे ही आता है कहता है करी तूने मेरे इस इकलौते बच्चे के साथ में बहुत ही बुरा किया, मैं तुझ पर कितना विश्वास करता रहा, मैं तुझको कितना मानता रहा, तूने जो जो कहा मैंने सब किया, मैंने अपने बच्चे की बातों को इग्नोर कर दिया, लेकिन तू मेरे बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया, ये बच्चा झूठ बोल रहा है, तू मेरे बच्चे को कितना कष्ट देती, आज मेरे को विश्वास हो गया कि मेरा बच्चा मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता है, बल्कि झूठ तू बोलती है, तू ना फरमान है, तू माँ नहीं है, डायन है, मेरे बच्चे के साथ में बहुत गलत किया, और आज के बाद तुम्हारे इस घर में अब कोई जगह नहीं रहेगा, मैं आज और अभी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, और अभी आज मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल देता हूँ, तू जा कहीं पर भी जा, लेकिन आज के बाद मेरे इस घर में और मेरे इस बच्चे के साथ में नहीं रहेगी। वह अपनी गलती का प्रायश्चित करती है, माफ़ी मांगती है कि मेरे को घर से बाहर मत निकालो, लेकिन कहता है कि क्या तीन जब रात्रि के समय में इस बच्चे को घर से बाहर निकाल करके अंधेरी रात में कब्रिस्तान में छोड़ कर चली आई, तब तेरे को दया नहीं आई, मैं तो वैसा नहीं कर रहा ना, बस तेरे को खुला मौका है, तू जा जहां पर जा, लेकिन अब मैं ऐसे औरतों को और ऐसी पत्नी के साथ में मैं नहीं रह सकता। और इस तरीके से वह अपने पति को घर से बाहर निकाल देता है, तलाक दे देता है, वह दर दर भटकती है। अब तो वह अपने फिर से मम्मी पापा के पास में चले जाते हैं। इस तरीके से वह बच्चा को फिर से अपनी माँ के तो नहीं मिलती है, लेकिन अपने उस बाप के साथ में सही से खुशी से सलामत से रहता है, और वह बाप अपने बेटे को हर तरीके से सही से रखवाली करता है। और इस तरीके से यह कहानी मेरे प्यारे सभी दर्शकों यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या क्या कहानी आपके दिल को झकझोर दिया कि नहीं दिया, आपके आंखों से आंसू छलके कि नहीं छड़ गए। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो ना तो कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आपके लिए अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नई शानदार कहानियां लेकर के हाजिर हूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।